नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेट इंजन्स के लिए टेस्ट बेड के बारे में, कि भारत को एक पोटेंट टेस्ट बेड की आवश्यकता क्यों है और इससे पहले कभी इस पर क्यों विचार नहीं किया गया, तो इसको देखने वाले हैं। सो जैसा कि आप सब जानते होंगे, GTRE और DRDO की जो अदर लैब हैं वो ऐसा प्लान कर रहे हैं कि भारत के लिए एक स्वदेशी हाई थ्रस्ट वाला लो बाईपास इंजन डेवलप किया जाए। तो इस तरह के इंजन के डेवलपमेंट के दौरान आपको बहुत सारे पैरामीटर को टेस्ट करना पड़ता है फ्लाइट कंडीशन में। हालांकि जो ग्राउंड टेस्ट होंगे, चाहे वो विंड टनल टेस्टिंग हो, आइस में टेस्ट करना हो या फिर सी ट्रायल्स हैं, तो उन सब के लिए हमारे पास जो फैसिलिटी है वो अभी फिलहाल कुछ हद तक उपलब्ध है। लेकिन अगर बात करते हो वो टेस्ट जो फ्लाइट कंडीशन में कंडक्ट किए जाने चाहिए, तो उसके लिए अभी कोई भी प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत में जो एविएशन इंडस्ट्री है वो अभी वहाँ नहीं पहुँची है जहाँ पर आप मल्टीपल इंजन बना रहे हो और आपको टेस्ट बेड की आवश्यकता बार बार हो रही हो। तो अभी उस लेवल पर एविएशन इंडस्ट्री भारत की नहीं है। और कावेरी इंजन हमारा पहला इंजन था और सिर्फ इसी के लिए एक टेस्ट बेड बना देना वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वायबल ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर आप आज देखते हो तो भारत में भी एविएशन को लेके जो तकनीक है वो काफ़ी इवॉल्व हुई है। और अगर आज ऐसा एक टेस्ट बेड सेटअप करते हो आप जिस पे इंजन के साथ साथ जो अदर प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो या फिर सेंसर प्लेटफॉर्म हो, वो भी टेस्ट किए जा सकेंगे, तो ऐसा प्लेटफॉर्म को अभी सेटअप करना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉफिटेबल आप कह सकते हो। क्योंकि जब हमने रशियन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था कावेरी को टेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए जो हमने नेगोशिएट किया था डील को रशिया के साथ मिलके, वो नेगोशिएशन तकरीबन 3 साल चला था। 2007 में स्टार्ट किया गया था नेगोशिएशन, और जो पहला कावेरी का टेस्ट है एल्यूसिन 76 पे, वो कंडक्ट किया गया था 2010 में। तो ये एक तरह की बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है कि अगर आपके पास कोई इंजन टेस्ट बेड है तो आप उस पे एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे देशों के भी जो प्लेटफॉर्म है वो टेस्ट कर दोगे, और उनके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को टेस्ट करने के लिए जो मॉडिफिकेशंस हैं वो करने पड़ते हैं, चाहे वो आपके हार्ड पॉइंट को लेके हो, एयरक्राफ्ट के हाइड्रोलिक्स को लेके हो या फिर जो FADEC है उसको लेके हो। तो इन सभी तरह के जो मॉडिफिकेशन हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए करना पड़ता है, जिसके लिए कोई पर्टिकुलर डील साइन की जाती है। सो ये हमारा इंजन है और फ्लाइट एक्सपेरिमेंट के ये पैरामीटर हमको चाहिए, इनके रिजल्ट हमको चाहिए। तो ऐसा कुछ नेगोशिएशन आप डील में करते हो जो भी आपके कस्टमर हैं उनके साथ, तो इस तरह का प्लेटफॉर्म अगर इंडिया भी बना लेता है, तो भारत में अगर कोई प्राइवेट सेक्टर अपना इंजन बनाने को लेकर अप्रोच करता है, तो उसको जो टेस्ट फैसिलिटी है फ्लाइट एक्सपेरिमेंट सिस्टम के लिए वो यहीं मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या Su-30 MKI को लेके इस तरह का जो टेस्ट बेड का ऑप्शन है वो देखा जा सकता है। तो मैं Su-30 MKI के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो मिडल फ्यूसलाज का ऑप्शन है वो आप कह सकते हो कि कुछ लिमिटेड पैरामीटर के लिए या फिर कुछ लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स को टेस्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात करोगे एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट कंट्रोल डेटा की, तो वो आपको Su-30 MKI जैसे क्रिएट किए गए छोटे प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेगा। तो उस तरह के किसी भी इंजन के फ्लाइट एक्सपेरिमेंट डेटा को अचीव करने के लिए जरूरी यहाँ पे ये है कि जो आपका टेस्ट बेड है उसमें तकरीबन 7 से 8 कंप्यूटर हो, 8 से 10 जो पर्सनल्स हैं उनके बैठने की जगह हो, उनमें आपका इंजीनियर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, और जो वेंडर है उनके कुछ लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी फ्लाइंग टेस्ट बेड को अचीव करने के लिए उस पर्टिकुलर टेस्ट बेड में आपके अकॉर्डिंग जो मॉडिफिकेशन है वो होने चाहिए। और मॉडिफिकेशन किस प्रकार के होंगे, जैसे कि आप एक नया इंजन ऐड कर रहे हो जो आपने बनाया है अभी नया, तो उसकी जो कनेक्टिविटी होगी, जो आपका फ्लाइंग टेस्ट बेड है उसके फ्यूल सिस्टम के साथ, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ, हाइड्रोलिक या फिर कूलिंग सिस्टम के साथ, तो उन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। और जो मॉडिफिकेशन है वो एक बड़े लेवल पर करना पड़ता है, चाहे विंग के सेक्शन में करना पड़े, हार्ड पॉइंट्स पर करना पड़े या फिर एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी कंप्यूटर्स दिए गए हैं उनमें मॉडिफिकेशन करना पड़े। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो कि एक पर्टिकुलर टेस्ट बेड को अचीव करने के लिए आपको करने पड़ते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर आप Su-30 MKI को भी इस्तेमाल करते हो। तो आपको जो पूरा डेटा है किसी भी इंजन को लेके वो नहीं मिलेगा। हालांकि जो MKI जैसे प्लेटफॉर्म हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हैं एयरक्राफ्ट के, उनको टेस्ट करने के लिए। लेकिन एक स्पेशलाइज जेट इंजन को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट बेड है वो आपको बड़ा चाहिए होगा, क्योंकि जो पैरामीटर आपको अचीव करने होते हैं उसके कैलकुलेशन के लिए जो कंप्यूटर्स और सेंसर की रिक्वायरमेंट है वो आपको ज़्यादा पड़ती है। तो आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे जो भी मेजर इंजन मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास अपना टेस्ट बेड अभी उपलब्ध है, चाहे वो GE हो, जिसका जो टेस्ट बेड है आप डाल दूंगा मैं, बोइंग के 747 को उन्होंने अपना टेस्ट बेड बना रखा है, इसी तरह से सैफरॉन के पास भी अपना टेस्ट बेड है, प्रैट एंड व्हिटनी के पास अपना टेस्ट बेड है, हनीवेल और रोल्स रॉयस, इन सभी के पास अपना अपना जो टेस्ट बेड है वो उपलब्ध है। तो अगर आपको एक वर्ल्ड क्लास इंजन डेवलप करना है तो आपको यहाँ पे GTRE के पास भी इस तरह के एक टेस्ट बेड की आवश्यकता है। और जो बड़ा टेस्ट बेड होगा वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजन को ही टेस्ट करेगा, वहाँ पे आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर सकते हो, चाहे वो रेडार हो या फिर सेंसर हो, तो उन सबको आप टेस्ट कर पाओगे। और ऐसा ही करती है हनीवेल,
उनका जो टेस्ट बेड है जिसके लिए उन्होंने एक एडिशनल हिंज हार्ड पॉइंट ऐड किया हुआ है एंजन्स को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनके टेस्ट बेड में जो एंजन्स हैं वो दो हैं, तो सेफ्टी के लिहाज से उन्होंने एक हिंज हार्ड पॉइंट ऐड किया हुआ है एंजन्स को टेस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आपके टेस्ट बेड के पास दो ही इंजन है ऑलरेडी और उनमें से आप एक रिप्लेस करके टेस्ट इंजन लगा देते हो और कोई गड़बड़ी हो जाती है तो जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे IL-76 को, जो कि रशियन टेस्ट बेड है, तो वहाँ पर चार इंजन है और अमूमन टेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में जो इंजन इनवर्ड है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर फ्लाइंग के दौरान जो थ्रस्ट का वेरिएशन है वो प्रॉपर नहीं भी है तो जो एक कम्युलेटिव इफेक्ट है थ्रस्ट का वो बाकी एक इंजन संभाल लेंगे। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं टेस्ट बेड के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें दो इंजन हैं वो टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, वो किए जा सकते हैं, लेकिन जो रिस्क फैक्टर है वो वहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व है। सो एक इसी तरह का प्लेटफॉर्म हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मॉडिफिकेशन करने की जो अनुमति है वो मिल जाती है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनसे। क्योंकि अगर आप किसी एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशन करते हो स्पेशली इंजन को, तो जो भी उसके फ्लाइट कंट्रोल सर्फेस हैं, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहूँगा फ्लाइट कंट्रोल जो लॉ हैं वेरिएबल थ्रस्ट के अकॉर्डिंग, वो सभी आपको रिकॉन्फिगर करने पड़ेंगे फिजिकल मॉडिफिकेशन के अलावा। तो इन सब के लिए जिस कंपनी ने भी उस प्लेटफॉर्म को बनाया हुआ है, चाहे वो बोइंग हो या फिर एयरबस हो या एम्ब्रर हो, उस कंपनी के इंजीनियर की जो आवश्यकता है वो आपको पड़ सकती है अगर आप इस तरह के प्लेटफॉर्म को लेके नए हो तो। सो मेरे ओपिनियन में अब टाइम आ चुका है कि अगर आपको एक हायर थ्रस्ट का इंजन डेवलप करना है और इस तरह का जो एक एरोस्पेस इंजन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना है भारत में, तो जो एक टेस्ट बेड की रिक्वायरमेंट है वो एक नेसेसिटी है। और इसके लिए कोई भी स्टेबल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, चाहे वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो या फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो, आपको मिल जाता है और सपोर्ट मिल जाता है OEM की तरफ से, तो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है वो पॉसिबल है और कुछ हद तक अब समय की मांग है। तो इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।